हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो से आ चुके हैं। तो टाइटल से आपने नाम पढ़ लिया होगा, यूरोका फोर्ब्स एक कंपनी है, तो उसका ये वैक्यूम क्लीनर है। तो इसका इस तरह से कुछ पैकेजिंग है और मैं बॉक्स में कुछ दिखा देता हूँ बाहर से जो डिटेल्स हैं। और वैक्यूम क्लीनर है इसके अंदर और क्वान्टिटी सिर्फ एक वैक्यूम क्लीनर की है और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी इसका प्राइस जो है वो MRP हमें लिखा है 3550 रुपये का और वेट इसका 2.5 ग्राम है, 2.5 किलो का वेट है इसका। और मोटर पावर है 800 वाट की। वैसे तो ये काफ़ी छोटा सा है डिज़ाइन में और इसकी मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में हुई है। ये सब कुछ डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। यहाँ से उस तरफ से थोड़ी सी अनबॉक्सिंग इसकी ख़राब हो रही है, मतलब वहाँ पे बिल है तो इसलिए हम उधर से नहीं खोलेंगे। अभी आप सोचेंगे नहीं, ऑलरेडी खोला हुआ है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। वैक्यूम क्लीनर इसलिए मंगाया कि आपने देखा होगा, तो वैक्यूम क्लीनर का मतलब ये होता है कि साफ सफाई करने के लिए, डस्ट रिमूव करने के लिए इजीली, ठीक है, जहाँ पे आप पहुँच नहीं पाते हैं तो वो सब रिमूव करने के लिए। तो पहला इसमें कि हमें इसका आगे का एडजस्टमेंट मिला है, दूसरा ये दो, फिर ये तीन, ये पता नहीं अभी क्या, इसे देखना पड़ेगा। ये कुछ इसके बेल्ट टाइप मिले हैं ये भी, और ये कुछ इसकी एडजस्टमेंट है जिसको अगर डिस्टेंस दूर है तो वहाँ पर पहुँचने के लिए। और ये हमारी मशीन है मेन, तो इस तरह का कुछ रेड और ब्लैक कलर का इसका कलर है। यहाँ से ब्लैक है, यहाँ से रेड है। यूरोका फोर्ब ब्रांड है, ठीक है, एक अच्छा ब्रांड है, काफ़ी नामी ब्रांड है। अब यहाँ से देख सकते हैं फोर्ब सुपर क्लीन, और यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन है। और ओवरऑल अगर अभी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बहुत अच्छा है, फिट एंड फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे इसके अंदर, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिशिंग उन्होंने दी है और बहुत ही डिसेंट सा प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है। चारों तरफ से इसलिए देख रहा हूँ कहीं स्क्रैचेज या कुछ ऐसा टूटा नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर, सच में काफ़ी अच्छा बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से जहाँ से ये जो वैक्यूम क्लीनर काम करेगा, तो हम इसको साइड कर लेते हैं, इसकी वायर है तो ये भी इसको साइड रख लेता हूँ पहले मैं। तो अगर अभी मैं खोलूँगा नहीं वायर, पहले मैं बाकी चीज़ें एक बार एडजस्ट कर लूँगा। तो वायर का लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा इसमें लग रहा है, बाकी मैं खोल के भी दिखाऊंगा। और अगर हम इसकी स्विच की भी बात करें तो ये पावर स्विच में जाएगा, ठीक है। और इसका जो ये जो वायर है ये भी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम साइड रख लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है, क्योंकि बाहर एज सच इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया जो कि इन्हें करना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। एक ये फोर्ब का मेन जो है इसका हेड है, इसमें हम यूज़ करेंगे इसको बाद में, और देख लेते हैं क्या है। ये एक यूज़र मैनुअल है, इसे हम खोल देते हैं, इसके अंदर बहुत काम की चीज़ होगी। ये पहला प्रोडक्ट है, मैंने ऐसा कभी कोई वैक्यूम क्लीनर कभी परचेज़ नहीं किया था, तो इसलिए। और यहाँ पर लिखा भी है इंडियाज़ नंबर वन वैक्यूम क्लीनर ब्रांड, नंबर वन इंडिया वो है वैक्यूम क्लीनर का ब्रांड, काफ़ी बड़ा है इसका। ये क्या है, और एक साल की इसकी वारंटी है, ये इसका वारंटी कार्ड है। इसमें आपको डिटेल मेंशन करनी होगी अगर आपको वारंटी क्लेम करनी हो तो। इसको हम साइड रख देते हैं। यहाँ पे छोटा सा कुछ डिटेल्स मेंशन होगी, कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स आपको करनी है अगर आप बिल्कुल भी नहीं आती, कैसे क्लीन करना है, जनरली कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, छोटी सी भी मिस्टेक में ख़राब हो सकता है। तो ये पूरा कुछ इस तरह से इसका मैनुअल है, आप आराम से इसको अगर आप परचेज़ करेंगे तो बाद में इसको वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत अच्छा सा छोटा सा सही है, अच्छी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में देगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में देते हैं तो समझ वो आता नहीं, तो उसको कोई पॉइंट नहीं है। और एक ये हमारा एक और एडजस्टमेंट है अगर डिस्टेंस दूर है तो वैक्यूम क्लीन करने के लिए, ये फाइनल है। अब हम बॉक्स को साइड रखते हैं, और क्या है इसके अंदर, एक और एडजस्टमेंट है। हम बॉक्स को हम साइड रख देते हैं, अब सारी एडजस्टमेंट्स एक बार हम निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत पॉलिथीन है, इसको हम साइड रखते हैं। ये इसका बेल्ट है, ठीक है, तो ये सारा कुछ एडजस्टमेंट है। अभी पहले मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ, और मैं सेट करने के बाद ये मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ लगेगा। और ये मेरे हिसाब से इसका है कि टांगने के लिए, क्योंकि ये जो मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं अभी से ही समझ गया हूँ कि ये जो पार्ट है ये इसको यहाँ पर लगाने के लिए होगा, ठीक है, ताकि आप इसको अगर थोड़ा डिस्टेंस में ले भी जा रहे हैं तो दोनों तरफ से ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी को मैं सारी चीज़ें वो कर लेता हूँ, जैसे बैक पैक आप रखते हैं तो उस तरह से टांगने के लिए शोल्डर पे है, यूज़ करते हैं मैं इसको। मैं एक बार सारी चीज़ें सेट कर लेता हूँ, चला के देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसके मेन फीचर्स के बारे में। तो गाइस मैंने सारी चीज़ें देख ली इसकी कैसे कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये ऐसा एक हुक इसका लगेगा, दूसरा हुक इसका यहाँ पे, ये अच्छा दे दिया इन्होंने यार, कि शोल्डर पर ना हैंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये एडजस्टेबल भी है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, ठीक है। दूसरा ये कि आपको ये साफ करना हो तो यहाँ पे एक बटन है, इसको आप प्रेस करें तो ये इसका माउंट है आगे वाला जो फेस है खुल जाता है ऐसे, ठीक है।
और यहाँ पे मोटर है इसकी, और ये जो है ये आप इसको यहाँ से साफ कर सकते हैं अगर कोई बाद में प्रॉब्लम आए। वैसे इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे दोबारा। तो ये बहुत इजी सा है, बटन को प्रेस करें यहाँ पे लॉक हो जाता है, ठीक है, ऑन ऑफ करने का यही बटन है। बाकी अगर सबसे पहले जो छोटा एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है साफ करने के लिए, बहुत छोटा, सबसे छोटा एडजस्टमेंट यही है, सिंपल से इस तरह से दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे बस लगाएंगे और ये लग गया, इससे साफ भी कर सकते हैं और यहीं से ये जो है ये पार्ट दिया हुआ है ताकि डस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार, तो इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये जो पार्ट है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो इसको मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। इसको सबसे बड़ी बात है कि लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच इस तरह से ये लग जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो इतनी लंबी कि मैं वीडियो में भी थोड़ा सा दिखा नहीं पाऊंगा, बट कोशिश पूरी करूंगा। ये जो पार्ट है ये भी हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट भी है, आप इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाना है तो इसको एक और हम एडजस्टमेंट लगाएंगे यहाँ पे, ये तो ये हो गया। इसके बाद भी हमारे पास एक और एडजस्टमेंट जो हमने निकाला भी नहीं है, तो ये दोनों, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वीडियो में दिखेगा नहीं आपको, मैं आपको वो छोटा वाला एडजस्टमेंट दिखाता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो ये हो गया, तो ये सारे एडजस्टमेंट इसमें लगा सकते हैं इस तरह से, अब देखें। दूसरा ये साफ करने के लिए हमें पॉइंट दिया गया, और जो मेन है जिससे मैं भी यूज़ करूँगा वो ये एडजस्टमेंट पार्ट है, वो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ईजिली फिट हो जाता है और ये मूव करता है। यहाँ पे इसके व्हील्स लगे हुए हैं, प्लास्टिक की अगर क्वालिटी की बात करो वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये व्हील्स भी लगे ताकि मूव कर पाए अच्छे से। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी ये यहाँ पे पार्ट दिया गया है इसको ऐसे करने के लिए। अगर आपको थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है नीचे तो आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से मैं अगर दिखाऊं तो ये डस्टिंग जो है ये भी साफ आगे निकलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा हार्ड पार्टिकल है सरफेस पे पड़ा है वो नहीं रिमूव हो रहा है इस वैक्यूम से, तो इसको प्रेस करेंगे एक बार अपने पैर से तो वो भी आपको एज अ जैसे हम झाड़ू यूज़ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं निकाल लेता हूँ, और जो सबसे छोटा है क्योंकि जितना छोटा डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से हम छोटा यूज़ करेंगे। हमने लगा दिया है, अब हम इसको प्लग एंड प्ले करेंगे, इसको हम खोल देंगे यहाँ से कि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे खोलने का क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं वाला। अब हम इसको स्विच में प्लग इन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने करा अब ऑन कर, तो इतनी पावर है भाई, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो भी थोड़ा हिल गया होगा क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था इसका कि इसके अंदर इतनी पावर है। तो जो मोटर है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, तो ऐसे नहीं छोड़े इसको कि भाई चला के छोड़ दिया, वरना इतनी ज़्यादा पावर है इसके अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वो फील हुआ मुझे हाथ में और पूरा कैमरा जो है वो शेक हो गया कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है इसके अंदर, और 230 वोल्ट की पावर है, मतलब कि समझ सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पावर है, तभी ये हम इसको यूज़ करके दिखा पाएंगे यूज़ हो भी पा रहा है कि नहीं। और दूसरा इसका ये जो पार्ट है इसको बहुत आपको स्ट्रांगली होल्ड करना होगा क्योंकि ये ऐसा लगता है कि गिर ना जाए, ऐसी पावरफुल मशीन है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी डस्ट है तो हमने इसलिए साफ नहीं किया था ताकि वैक्यूम क्लीनर से दिखा पाएं आपको। ये छोटा सा मैंने एडजस्टमेंट किया यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस पास है, पर भी चलाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पावर है इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसको मैं इधर से भी दिखाऊं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जो इसका बैक साइड, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए मैंने जो प्राइस में परचेज किया है वो 3550 जो बॉक्स पे था, ये सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है थोड़ा कम प्राइस में 2499, उसका मैं लिंक दे दूंगा अगर वो मुझे अभी अवेलेबल हुआ तो। ओवरऑल मैं देखूँ अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ और पावर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे लिए, ठीक है, और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, खुद भी आप साफ सफाई भी कर सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि अच्छे से साफ भी कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये यूरेका फोर्ब्स की तरफ से, और रिकमेंडेबल है क्योंकि मैं तो रिकमेंड करता हूँ मैं इसको क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है, मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा। और जो पीछे से इसका जो पार्ट है यहाँ से बहुत बुरी तरह पीछे से हवा छोड़ता है, ठीक है। तो यही एक छोटा सा रिव्यू था, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।